कैसे साफ है? कोई मेरी कुल्फी क्यों खाई है? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे और मैं भी खुशपाश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलें जी, आज मैं आप लोगों को जहाँ लेके जा रही हूँ वो है ट्रस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, बहुत ही साफ़ हॉस्पिटल है, आई साइट का चेक करवाने वाला। ठीक है, आइज़ का सारा उसमें प्रोसीजर होता है। तो इसका नाम है बशीर मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, बहुत ही अच्छा और लिंटन रोड पे है। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल है और साफ़ सुथरा इतना है कि आप लोग खुद देखेंगे हैरान होंगे कि यार इतना साफ़ सुथरा, इतना प्राइवेट भी साफ़ सुथरा नहीं होता जितना ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल उन्होंने साफ़ सुथरा रखा हुआ है। जी ये है वो हॉस्पिटल, बशीर मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ना जो काउंटर पे लेने के पैसे वो सिर्फ 200 लेने हैं, उसके बाद आपका एक रुपया नहीं लगना। ठीक है, और साफ़ सुथरा शीशे की तरह आप खुद देखेंगे। और ये सब चीज़ें तो खुद बताना, जज करना कि बाकी के मैं गलत तो नहीं कह रही। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ये देखिए किस कदर खूबसूरत, और मौसम इतना अच्छा था तो मज़ा ही आ रहा था कि बैठने का भी और ये चीज़ें देखने का भी ना। तो फिर वेटिंग रूम में उन्होंने हमें बिठा दिया कि अभी आपको देर है, और हम बैठ गए और बैठे ऐसे बैठे ऐसे बैठे ऐसे बैठे कि हम लोगों को लग गई भूख, नींद भी आने लग गई बैठ बैठ के, अल्लाह अल्लाह करके फिर हमने दुआ मांगी कि हमारी बारी आए, तो फिर हमारी बारी आ गई। फिर हम लोग बैठे और फैसल को सबसे पहले मैंने बिठाया, मेरे को पहले आप बैठे फिर मैं बैठूँगी। तो ये उन्होंने पहले मशीन में से गुजारा, फिर उसके बाद उन्होंने मैन्युअली भी चेक किया, ये नहीं कि खाली मशीन से चेक करके भेज दिया। उन्होंने जो मशीन पे नंबर आए ना, उन्होंने वो फिर मैन्युअली आंखों पे डाला, क्या उसे कहते हैं, वो जो ऐनक वाले जिन वाली ग्लासेस नहीं होती वो भी हमें लगाई, देखना आगे मैं नमूनी बनूंगी। तो वो सब चीज़ों से भी उन्होंने हमें चेक करके तसल्ली से हमें भेजा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कैसे साफ़ जी? करीब दूर दोनों नंबर लगते हैं, सॉरी दूर का लगा ले उससे करीब का भी नज़र आएगा। आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे ना दूर से नज़र आते हैं तो ब्लर हो जाता है, और ना मैं करके आई स्टोर ये छोटी करके देखते हैं। A few moments later. हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बाबा जी कुल्फी वाला, ज़बरदस्त। ये तीन खाने के बाहर होती है, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी ये कुल्फी होती है। हमने जब भी यहाँ से मैं गुजरी हूँ ना, मैंने यहाँ की कुल्फी गिलास नहीं खानी होती है। चलो जी, कैसा लगा मेरा मजाक? मैं आपको कुल्फी की दिखाती हूँ, यहाँ की कुल्फी इतने मज़ेदार है ना, सही पता चलता है ओरिजिनल कोई कुल्फी खाई है, बहुत मज़ेदार। मैं दिखाती हूँ। A few moments later. ये देखो जी मेरी कुल्फी आ चुकी है। ये क्या खा तू, मेरी कुल्फी क्यों खाई है? बहुत मज़ेदार यार, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत मज़ेदार होती है कसम से। और आपको नेक्स्ट जगह पे लेके जाती हूँ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयरशेड चेक कराने के बाद हमने कहाँ जाना है। बहुत मज़ेदार होती है यार, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ेदार। जनाब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इकबाल टाउन हम आए, और यहाँ पे अपनी नंद के घर ना आए ऐसा हो नहीं सकता, तो थोड़ी देर यहाँ स्टे करते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है और पूछनी बचानी है वो यहाँ से पूछ लें, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ की इकबाल टाउन की मून मार्केट दिखाऊंगी, जहाँ से हमने जो चीज़ें लेनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर ज़रा यहाँ हमें स्टे करना पड़ेगा, तो यहाँ हम थोड़ी स्टे करते फिर मैं दिखाती हूँ। A few moments later. सलाम दुआ किए सबसे, और देखा तो आंटी अपनी मसाज कर रही थी, तो मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी मैं आपका ये क्लिप कर लूँ रिकॉर्ड, तो कहती हाँ वाई नॉट। तो ये ना बड़ा ज़बरदस्त आंटी का मसाजर था, ऑयल उन्होंने लगा के ना, तो फिर उसके बाद खुद ही बैठ के अपनी मसाज की, फिर उन्होंने अपनी हमें बोतल सर्व की जो कि जुयो कोला के नाम से है, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो इसे लाजमी जाएँ और लें, ये बहुत अच्छी बोतल है। हम इसको क्यों ना प्रमोट करें, तो अपने पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें, बहुत अच्छी कोक है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कोई दूसरे ब्रांड की पी है, आपको यही लगेगा कि आपने कोका कोला ही पी है, जियो कोला बेस्ट है। A few moments later.
अलग अलग करके हम लोग ज़ियान सिटी चाइनीज़ में पहुँचे, जो कि रखा सीरी पाई के बिल्कुल सामने था, और इसके सामने ही बिल्कुल ना फ्राई चिक्स भी थे, ठीक है, उनके बिल्कुल दरमियान में ही थी क्रीम ब्लॉक की जो मून मार्केट है ना उसमें, ठीक है। और इन्होंने ना चाउमीन हमने देखा, तो मैंने कहा पहले मैं चाउमीन खाऊंगी और फिर मैं मोमोज़ खाऊंगी। मेरा मोमोज़ खाने को इतना शदीद दिल कर रहा था, और अभी तक ना मुझे ट्रस्ट मी कहीं के भी मोमोज़ पसंद नहीं आए। मैंने दो तीन जगह के अपनी मून मार्केट के भी ट्राई किए और इधर भी ट्राई किया, मुझे नहीं अच्छे लगे। इनके चाउमीन जो थे वो इनका फ़्लेवर बहुत मज़ेदार था, लेकिन ना उसके चाउमीन में उन्होंने पहले से बना के रखे हुए थे, तो इसलिए वो ठंडे ठंडे दे दिए। और 450 की से ऊपर की नहीं, 450 की इनकी प्लेट थी, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी थी और ऊपर से ठंडे थे, तो इसलिए जायका अच्छा था, लेकिन मुझे ना कहने के लिए ना मुझे तसल्ली नहीं हुई, मुझे मज़ा नहीं आया। और जो इनके मोमोज थे वो इन्होंने गर्मा गर्म सर्व किए, वो उनकी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी थी, गर्मा गर्म भी थे, लेकिन उसका जो उसकी जो बाहर वाली डो होती है ना वो इतनी मोटी थी, और ना अंदर की जो फिलिंग थी वो ऐसे थी जैसे देसी थी, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। जो मोमोज़ ओरिजिनल मोमोज़ होते हैं ना, उनकी जो ऊपर वाली डो होती है ना वो इतनी बारीक पतली सी एक लेयर होती है, और वो जिगली जेली सी टाइप से होते हैं, और वो बड़े मज़े के होते हैं कि मुँह में जाओ तो खुल जाते हैं, ऐसे होते हैं। इन्होंने ना वो वाले नहीं सही दिए, और जो ये चाउमीन थे ये थोड़े ठंडे थे, तो इसलिए इसका फ़्लेवर तो अच्छा था, लेकिन मुझे ना ये भी मैं कहूँगी कि मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, कि जिसे कहो ना कि बंदा दिल खुश हो गया, ऐसा कोई सुनहरियो नहीं था गाइस। तो अगर आपने फ़र्स्ट टाइम जाना है, टेस्ट करना है, शायद आप लोगों का टेस्ट डिफरेंट हो मेरे टेस्ट से, तो आप लोगों को पसंद आ जाए। इन्होंने ना प्रेजेंटेशन, इन्हें जब पता चला ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त करके भेजी, गर्मा गर्म करके भेजा, उससे पहले ये ठंडा ठार इन्होंने दिया। जब पेट पूजा हुई तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, मैंने कुछ शर्ट्स लेके आई हुई थी, उसके साथ दुपट्टे मैच करने थे, जो कि एक अच्छी शॉप मुझे नज़र आई, लेकिन उसके जो रेट्स थे अंकल ने टू मच हाई किए हुए थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसे बॉदर नहीं किया और मैं बस छोड़ के आ गई। यहाँ पे मुझे फिर जूता पसंद आया घर में पहनने के लिए, मुझे ब्लू कलर का पसंद आ रहा था और फैसल को पर्पल कलर का पसंद आ रहा था, हम दोनों की हो रही थी इसमें जंग, वो कह रहे थे पर्पल लो, मैं कह रही थी ब्लू लूँ, तो इन दी एंड फैसल जीत गए और मैं हार गई, और उन्होंने कहा कि पर्पल ही लेने हैं और अभी पहनने हैं जूते। तो घर आ गए थे, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बच्चियों को हमने खाना नहीं पकाया हुआ था, तो वो अचीलों की तरह आते साथ एकदम से पड़ गई हैं, तो उन्हें ऑर्डर करवा के देते हैं, और मेरी हो गई है बस, मेरी आँखें फुल शदीदम शदीद दुख रही, मैं बहुत थक गई हूँ फिर के खा पी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।